आज बात करते हैं ICC द्वारा दिए गए अवार्ड की। हम बताएंगे आपको कि किसे और कितनी बार अवार्ड मिले। नंबर एक पे तो ऐसा खिलाड़ी आता है जो हर किसी के दिल पे राज करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सातवें नंबर पर। सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग हैं, जिन्हें 3 बार ICC के अवार्ड मिले। रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। तो वहीं छठवें नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। ये भी ICC से 3 बार अवार्ड ले चुके हैं। ये क्रिकेट की दुनिया में मिस्टर 360 के नाम से भी मशहूर हैं। पांचवें नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। इन्हें भी ICC से 3 बार अवार्ड मिल चुके हैं। बाबर आजम अभी अच्छी फॉर्म में हैं, तो हाल ही में उन्हें 2022 का ODI का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज किया है। वो भारत को 3-3 ICC ट्रॉफी दिलाने वाले हैं। हर भारतीय की धड़कन MS धोनी, जिन्हें ICC ने 4 बार पुरस्कृत किया है। तो वहीं नंबर 3 पर आते हैं श्रीलंका के कुमार संगकारा। इनके नाम भी बहुत रिकॉर्ड है, इन्हें भी ICC ने 4 बार अवार्ड दिया है। तो वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। ये ऑस्ट्रेलिया के मशहूर खिलाड़ी हैं, इनको भी ICC ने 4 बार अवार्ड दिया है। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे ऐसा खिलाड़ी है जिनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं दिखता। ICC ने इन्हें 1 बार नहीं बल्कि 10 बार अपनी फेवरेट लिस्ट में अवार्ड दिया है। वो कोई और नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 74 शतक लगाने वाले भारत के रन मशीन और किंग और हर युवा दिल की धड़कन विराट कोहली हैं। विराट कोहली को ICC ने 10 बार अवार्ड दिया है। उनका यह रिकॉर्ड अपने आप में मायने रखता है। वीडियो पसंद आया है तो